नमस्कार, पोलकोल पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। शनिवार को 374 मरीज ठीक होकर घर चले गए। इसके बाद शनिवार को डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 10,369 तक पहुँच गई। वहीं अब 6,237 एक्टिव केस है। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर, वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या समेत 31 जिले केंद्र के गरीब योजना में शामिल किए गए हैं। इस पर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश में गरीब कल्याण व ग्रामीण विकास का नया आधार देने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर संचालित किया जा रहा यह अभियान गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान करेगा। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। लोग चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी शनिवार को ग्रेटर नोएडा स्थित मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी ओप्पो के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर को समेत 30 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन कर मुकदमा दर्ज किया गया है। देश में कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी लागू कर दी गई है। अब सूबे में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों के 10 दिन बाद बिना टेस्ट किए अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। इसके बाद एसिम्प्टोमेटिक कोरोना मरीजों के 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। प्रदेश की योगी सरकार ने 1988 और 1989 बैच के यूपी कैडर में 21 आईएएस अफसरों के अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोशन दिया है। इनमें से 20 अधिकारी राज्य में और केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। अपर मुख्य सचिव के पद रिक्त नहीं होने के कारण इस पद पर अफसरों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही थी। शासन ने 1988 और 1989 बैच के अफसरों को इस पद पर प्रमोट करने के लिए अपर मुख्य सचिव के 20 पद को सृजित किए थे। उत्तर प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहे पोलखोल पोस्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर।